धार जिले के एक छोटे से ग्राम निसरपुर की बेटी ने किया जिले का नाम रोशन। बता दें कल पेश पिता शांतिलाल पाटीदार ग्राम निसरपुर का निवासी है, जो कक्षा 12वीं में प्राइवेट स्कूल नेहरू हाई सेकेंडरी पब्लिक स्कूल में जीव विज्ञान एवं बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था, जिसने आज पूरे प्रदेश में 9वां स्थान में आकर जिले में टॉप किया है। बता दें कल पेश एक ऐसे परिवार से आता है जिसकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने पुश्तैनी हिस्से की जमीन का टुकड़ा भी पुनर्वास हेतु अधिग्रहण कर लिया था। इसके बाद परिवार के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। अगर परिवार की बात करें तो पिताजी बेरोजगार हैं, पिताजी के पास किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं है। 4 महीने पहले चाय की दुकान लगाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, मगर 4 महीने पहले अचानक पैरालिसिस के साथ उनका सीधा हाथ और पैर दोनों काम नहीं करते और परिवार में कोई दूसरा नहीं है। बता दें बस एक छोटा बेटा और एक बेटी है, इसको पिता के भरोसे थे मगर अब भगवान भरोसे हैं। इसके बावजूद बेटे ने पिता का मान रखते हुए जिले में टॉप किया, जिससे परिवार और माता पिता को बहुत खुशी हुई है। माता पिता अपनी बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री जी और सरकार से सहयोग की अपेक्षा भी की है। देखिए आशुतोष सेन की यह रिपोर्ट। कल्पेश ये बताइए कि आपने नेहरू पब्लिक में पढ़ाई करके आज देश में आपका और स्कूल का नाम रोशन किया है, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ रहा जो आप आज इस स्थान पर पहुंचे हो? सर्वप्रथम मेरे गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा। गुरु ही होते हैं वो जो किसी विद्यार्थी की नींव पैदा करते हैं, तो गुरुओं का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा इसमें। पांडे सर, अंकित सर और बाकी सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। उसके बाद मेरे माता पिता का सबसे बड़ी भूमिका रही इसमें, तो उन्होंने काफ़ी खराब आर्थिक परिस्थितियों में भी काफ़ी बढ़िया सहयोग किया मुझे, और मेरी पढ़ाई में भी कोई बाधा वगैरह आए तो उन्हीं से मैं सहायता लेता था। उसके बाद मेरे दोस्तों का काफ़ी योगदान रहा इसमें, उनको सिखाते सिखाते ही मैं चीज़ों को सिखाऊँ। जब भी मुझे ऐसा लगता कि मैं किसी में अटक रहा हूँ तो वो फिर मैं खुद सीखता और फिर अपने दोस्तों को सिखाता। असल में चीज़ें सिखाने से ही आती है, आप जितना दूसरों को सिखाते हैं उतना आप खुद सीखते हैं चीज़ों। सर कल्पेश पाटीदार ने पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर लेकर आए हैं, जो आपकी स्कूल नेहरू पब्लिक में पढ़ाई कर रहे थे, सर उस बच्चे का नेचर कैसा है, उसके पढ़ाई के प्रति क्या रुचि है और उसके माँ बाप कौन सी परिस्थिति में उसको पढ़ाया है और क्या कहानी है सर उसकी? कल्पेश पाटीदार बहुत ही सरल स्वभाव का छात्र है और वो अपनी पढ़ाई के प्रति पूरी तरह सजग रहता। और उसके पारिवारिक स्थिति के बारे में अगर बताऊं तो उसके परिवार की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके, फिर भी उन्होंने अच्छे से बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहे, खेती करी, होटल भी चलाई उन्होंने और अपने बच्चे को पढ़ाया। और बच्चा का भी एक ही सपना कि मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा, अपने विद्यालय का नाम गौरवान्वित करूंगा, और उसने भरपूर मेहनत की उसके लिए और उसी का आज परिणाम है कि विद्यालय 2015 से संचालित है जिसमें 12वीं की कक्षा संचालित हो रही है। और अभी तक जितने भी बच्चों ने हर साल जो रिजल्ट दिया उन सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज कल्पेश पाटीदार ने विद्यालय का नाम प्रदेश में डंका बजवा दिया। सर ऐसे कितने छात्र हुए आपके स्कूल में जिन्होंने आपके स्कूल का नाम रोशन किया है? इतने सालों में कई छात्र रहे जिन्होंने विद्यालय का नाम समय समय पर गौरवान्वित किया है, जिसने पिछले सत्र में ही अगर देखें तो कानपुरे जी का बच्चा था मंगे जतिन कानपुरे, उसने भी 94% बनाए थे, पर उसका रिकॉर्ड भी आज कल्पेश ने तोड़ दिया।